So we have talked about the new ISO nomenclature system. And did we take an example to find the various? Yes, sir. 1 degree, 2 degree, 3 degree. The other example, I mean, isooctane. हाँ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चेक किया है एक रिंग का? नहीं, इक्विवेलेंट ये बताता है कि इसमें कितनी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें ये बताता है कि इसमें कितनी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है. ठीक है, तो एक रिंग भी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है. और अगर हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देखो अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ गया, तो जब भी मैं उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मुझे या तो उस कंपाउंड में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा. और ये जरूरी नहीं है वो कार्बन के बीच में बने, वो किसी भी एटम के बीच में बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है. एक डबल बॉन्ड बनाना जरूरी है. या फिर डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहते तो एक रिंग बनानी पड़ेगी, वो भी कहीं पर भी बन सकती है. ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं. ठीक है, और इसका भी एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसा क्यों है? जरा से मेरे पास एक स्पीशी है CH2, 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 CH2. अब यहां पर इन दोनों हाइड्रोजन की वैलेंसी 3 है, 4 नहीं है. इनके साथ 3 बॉन्ड बने हैं. इनकी वैलेंसी 4 बनाने के पास 2 तरीके हैं. एक, मैं इन दोनों के साथ हाइड्रोजन लगा दूं. ठीक है, क्लियर? या फिर मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दूं. तो अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन करता हूं तो हाइड्रोजन लगाए बिना काम चल रहा है ना, तो मतलब कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन डेफिशिएंसी रह जाएगी. डबल बॉन्ड में क्या है, मेरे पास है CH3, CH, CH, CH3. इन दोनों हाइड्रोकार्बन की भी वैलेंसी 3 है. इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने का तरीका क्या है, या तो इन दोनों के साथ हाइड्रोजन लगा दूं या बॉन्ड बना दूं. तो देख रहे हो ना, दे बिकम इक्विवेलेंट. रिंग बनाने से भी वही काम हो रहा है जो डबल बॉन्ड बनाने से हो रहा है. तो दैट इज हाउ रिंग एंड डबल बॉन्ड बिकम इक्विवेलेंट टू ईच अदर. इज इट क्लियर? ठीक है, so that is what we have as the double bond equivalent, that is what we have as the formula of the compounds. हमने new iso की बात कर ली थी, हमने primary, secondary, tertiary की बात कर ली थी ना, isooctane समझ लिया था. और अब हम एक और चीज समझेंगे. देखो हमारे पास बहुत सारे functional groups हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, ईथर, ठीक है, साइनाइड. तो इन सारे के सारे अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं, तो इनमें से कुछ ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप जिसे बोलते हैं, या फंक्शनल पार्ट, आइडेंटिफाइबल पार्ट कहते हैं, उनमें से कुछ में कार्बन है और कुछ में कार्बन नहीं है. जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, इनमें कार्बन है नहीं. ईथर में ऑक्सीजन से अटैचमेंट है, इसे कार्बन नहीं काउंट करते क्योंकि ये अलग से काउंट होती है चीज. ये कार्बन जो चेन में काउंट हो सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं. ठीक है, जब हम इनकी नेमिंग करते हैं इन कंपाउंड्स की, तो ये कार्बन को हम चेन में काउंट कर लेते हैं. इन ग्रुप्स में ऐसा कोई कार्बन नहीं है जो चेन में काउंट हो सके. तो इस तरीके से हमारे पास दो तरह के ग्रुप हो जाते हैं,
फाइन, इन ग्रुप्स में जिनमें कार्बन है, वी ट्राई टू गिव दिस कार्बन द मिनिमम नंबर, मोस्ट ऑफन वन, कीटोन में वन दे नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने मिनिमम नंबर बोला है, ठीक है। वेयर एज इन दीज ग्रुप्स जिनमें कार्बन नहीं है, वी ट्राई टू गिव द कार्बन टू विच दे आर अटैच्ड द मिनिमम नंबर। इज इट क्लियर? ठीक है, दीज ग्रुप हैव फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ओके, व्हाइल दीज ग्रुप्स दे आर अटैच्ड टू अ कार्बन, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कार्बन जैसी प्रायोरिटी दे देते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब चाहे ग्रुप में कार्बन हो या ना हो, जिस भी कार्बन के साथ ये ग्रुप अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है। एंड यू हैव टू बी केयरफुल कि कार्बन फंक्शनल ग्रुप में है या नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अल्फा नहीं होता, ठीक है। क्लियर? ये स्टेटमेंट लिखिए, द कार्बन टू विच, नहीं है उसमें, वही तो बोला कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। द कार्बन टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड इज टर्म्ड अल्फा कार्बन, ठीक है। और जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3COOH, ठीक है, ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है, ठीक है। अगर मैं एल्कीन की बात करूं, एल्कीन इज सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे है, तो बी वेरी क्लियर, एल्कीन के अंदर भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, तो ये पोजीशन यहां पे जैसे CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, तो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है वो अल्फा है, तो इस केस में हमारे पास चार अल्फा कार्बन है, ठीक है। क्लियर? ठीक है, हाँ तो नहीं है ना, क्या नहीं है, नहीं है क्या, किसने कहा नहीं है? अल्कीन नाम बदला ना डबल बॉन्ड की वजह से, अल्केन, अल्काइन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से नाम बदला ना, प्राइमरी सफिक्स बदला ना, और द ग्रुप द नेम्स वेयर द प्राइमरी सफिक्स चेंजेस दे आर कॉल्ड विच काइंड ऑफ आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। तो फिर ये फंक्शनल ग्रुप है, तभी तो फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इस बारे में? ठीक है, और हां पूछता रही हो सवाल, अच्छे लग रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा सच में भाई, तुम्हारा बेटा इसके पास पास हो गया, पूछ लियो। हाँ मैंने इसलिए बोला कि बाद में कहीं ऐसा मत समझ लियो मैंने डांट दिया, डांट नहीं रहा, यू आर इन्वाइटेड टू आस्क द क्वेश्चन, और ढंग के सवाल पूछ रहे हो तुम, गलत नहीं पूछ रहे हो, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। नहीं, वो भी गलत नहीं पूछता, उसके उसकी दिक्कत क्या है, जो करवा देता हूं ना वही दोबारा पूछ लेता है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग उसको सबसे पहले पकड़ा देता हूं, ओके। यहां पर तो दीज आर अल्फा कार्बन, दे ऑल आर अल्फा कार्बन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कीटोन की बात करता हूं, तो लेट्स से हमारे पास सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है। तो कीटोन के अंदर Although it is in the chain, naming के अंदर काउंट होता है, तो फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जितने कार्बन अटैच है वो अल्फा है, तो इसका मतलब ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा के साथ अटैच है, ये बीटा है, ठीक है।
आगे उसका गामा डेल्टा बनाते चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट अल्फा बीटा से काम चल जाता है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल चेन के एंड की बात कर रहे हैं तो उसको ओमेगा बोल देते हैं, अल्फा ओमेगा, लास्ट वाले को ओमेगा बोल देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द नेम। अब यहां पर अगर हमारे पास ये OH है, लेट्स से हमारे पास है CH3CH CH3OH, कितने अल्फा कार्बन है इसमें? एक। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, तो जिससे ये अटैच है ये अल्फा हो गया। इसमें दो बीटा है, एक अल्फा है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास है CH3CH2NH2, तो ये अल्फा हो गया, ऑफकोर्स दूसरे वाला बीटा हो गया। क्लियर? तो अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है चाहे नहीं है, जो भी आपने फंक्शनल ग्रुप डिफाइन किया है विद कार्बन और विदाउट कार्बन, वॉट एवर यू हैव डिफाइंड, वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा है, ठीक है। अब जैसे अल्काइन है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अब ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके साथ जो अटैच कार्बन है, यहां पर आ गया सी एच थ्री, यहां आ गया एच, तो इसमें एक अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप फंक्शनल ग्रुप किसे डिफाइन करते हो। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3CH2+, अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा हो गया, नेगेटिव लगा दिया तो भी अल्फा हो गया, डॉट लगा दिया यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो भी नेगेटिव हो गया, तो इट कुड बी एनीथिंग। You just need to define कि फंक्शन ग्रुप आप क्या ले रहे हो, उसके हिसाब से अल्फा डिफाइन होता है। Is that clear? ठीक है, ये एक important part था इसलिए बता दिया, याद रखना। अगर जैसे किसी compound में double bond भी आ रहा है एक फंक्शन ग्रुप, परफेक्ट, दो अल्फा हो जाएंगे। बेटा देखो, अब तुम हो, ये है, इसकी अपनी फैमिली है, तुम्हारी अपनी फैमिली है, तो तुम्हारा जो भाई है तो तुम क्या इससे लड़ने लगे? अबे मेरा भाई है, तेरा थोड़ा ना हो सकता है। ठीक है, तुम्हारा भाई इसका भाई नहीं हो सकता, बट इसका भी तो अपना भाई हो सकता है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है, लेट्स से आई हैव CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2OH, ठीक है। अब बी वेरी क्लियर, अरे ये भाई है, अरे भाई किसका भाई, वो जगत भाई वाला भाई या नॉर्मल भाई? तो उसी तरीके से जब मैं बोलता हूं ये अल्फा कार्बन है, तो आई हैव टू डिफाइन अल्फा किसका, इसका अल्फा ये है, अल्फा टू OH, अल्फा टू डबल बॉन्ड ये है, इसका अल्फा है, इसका बीटा है, तो बी वेरी क्लियर, अल्फा इज अ रिलेशन टू द फंक्शनल ग्रुप, देयरफॉर टू डिफाइन द अल्फा यू हैव टू डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर? C5H12 में फंक्शनल ग्रुप का है, फंक्शनल ग्रुप का है, फंक्शनल ग्रुप का है, तो अल्फा का मतलब क्या है? ठीक है, अल्फा इज ऑफ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। C5H12 इज एल्केन, C5H12 बोला उसने, C5H10 में भी गड़बड़ है, अगर रिंग हुई तो फिर फंक्शनल ग्रुप कहां से निकालोगे? तो अल्फा बीटा निकालने के लिए यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर, अदरवाइज यू कांट टेल। सर जैसे प्रोपेन टू ऑल है, उसमें एक ही से वो भी जुड़ा हुआ है और उससे एक भी जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ? प्रोपेन टू ऑल है ना, प्रोपीन ऑल बना रहा है भाई तू, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है? ठीक है, अल्फा इज टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है। इज इट क्लियर? एक का फंक्शनल कार्बन है, दूसरे का अल्फा है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम अल्फा कार्बन की बात कर सकते हैं, तो देखो हाइड्रोजन अपने आप में कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन डिफाइन करने के लिए हमेशा ये डिफाइन किया जाता है कि वो हाइड्रोजन कौन से एटम के साथ जुड़ा हुआ है।
अगर हाइड्रोजन एक अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो अल्फा कार्बन हो जाएगा, बीटा कार्बन के साथ जुड़ा तो बीटा कार्बन हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ तो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का अपना कुछ नहीं होता, वो जिसके साथ जुड़ता है उसका हो जाता है। जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में भी तो यही किया था कि जो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ सेकेंडरी हाइड्रोजन है। दैट इज हाउ वी टॉक अबाउट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी आल्सो। इसी तरीके से अल्फा बीटा हाइड्रोजन की बात की जाती है, ठीक है, क्लियर। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड दिस, अब हम कुछ कार्बन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और कार्बन की प्रॉपर्टीज के साथ साथ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द मैकेनिज्म। जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन इज अ मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड, क्लियर। कार्बन इज अ मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के मेंबर्स की एक बहुत खास बात है कि ऑल द सेकेंड पीरियड मेंबर्स हैव फोर ऑर्बिटल इन द आउटर मोस्ट शेल, एक s और तीन p ऑर्बिटल, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज फोर ऑर्बिटल इन द आउटर मोस्ट शेल, दे हैव अ कैपेसिटी टू अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। नन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड कैन एक्सीड द ऑक्टेट, नन ऑफ देम कैन शो अ वैलेंसी ऑफ मोर देन 4। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। चल, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड इज लिथियम, द सेवेंथ एलिमेंट इज फ्लोरीन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नियॉन, नियॉन इज अ नोबल गैस, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ लिथियम इज 1, फ्लोरीन इज 7। और इलेक्ट्रॉन्स क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलना चाहिए। इनके ठीक बीच में कार्बन है, ये फर्स्ट, ये सेवंथ, ये फोर्थ, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द वैलेंसी, इसको अपना नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसे 4 गेन या 4 लूज करने हैं तो इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रॉपर्टी, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड आयन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 1 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 4 है, 1+4 इज 5, 5/2 इज 2.5, तो इन दोनों का एवरेज 2.5 है, कार्बन की 2.5 है। टॉकिंग अबाउट आयनेशन एनर्जी, लिथियम की 520 है, फ्लोरीन की 1680 है, व्हाट्स द एवरेज ऑफ द टू, जल्दी बताओ इसका एवरेज। That's the ionization energy of carbon. तो कार्बन की इन प्रॉपर्टीज को देखते हुए कार्बन जो है लिथियम और फ्लोरीन के ठीक बीच में आ जाता है अपनी प्रॉपर्टीज में। इसकी वजह से कार्बन कहने को ये कह सकते हैं कि लिथियम की तरह भी शो कर सकता है, फ्लोरीन की तरह भी शो कर सकता है, लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि ना तो ये लिथियम की तरह शो कर पाता ना ये फ्लोरीन की तरह शो कर पाता है, ना तो ये अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है। मतलब ये कि कार्बन तसल्ली से आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता। कार्बन इन द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स के बहुत कम है। ये ना तो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह, ना ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है कि इसका जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग है, स्पेसिफिकली विद इट्स ओन काइंड, दैट इज कार्बन हैज अ कैपेसिटी टू फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट स्ट्रांग बॉन्ड विद द एटम्स ऑफ इट्स ओन काइंड। और यही रीजन है कि कार्बन 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 की चेन बनती चली जाती है। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विद द एटम्स ऑफ इट्स ओन काइंड
इज टर्म्ड बिल्लियों का देश. कैट नेशन. बिल्ली का देश ही तो हुआ कैट नेशन. दैट्स टर्म्ड कैट नेशन. ठीक है, डेफिनेशन लिखो कैट नेशन की. The capacity of an element, the capacity of an element to form long chains, the capacity of an atom to form long chains with the atoms of its own kind is termed कैटनेशन. ठीक है, कैटनेशन के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं. लिख लीजिए, द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कैटनेशन आर, फर्स्ट वन, द एलिमेंट मस्ट फॉर्म strong single bonds, strong single bonds with the atoms of its own kind, strong single bonds with the atoms of its own kind. Second one, it must have a valency of, it must have a valency of two or more. Minimum valency is two, catenation ke liye. ठीक है, catenation बहुत सारे elements show कर सकते हैं. Carbon तो of course show करता है, ये सबसे ज्यादा यही show करता है, लेकिन साथ साथ boron भी करता है, silicon भी करता है, sulfur भी करता है, phosphorus भी करता है. तो ये सारे के सारे catenation show करते हैं. Nitrogen, oxygen, ज्यादा कैटनेशन नहीं शो कर पाते. दे कैन शो अ कैटनेशन ओनली अप टू थ्री एटम्स इन अ लाइन. जैसे ओ थ्री एग्जिस्ट करता है बट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है. एजाइड, एन नीचे थ्री ऊपर माइनस, एजाइड आयन एग्जिस्ट करता है, वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है. क्लियर, उससे ज्यादा की चेन लेंथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की नहीं बनती. फ्लोरीन, पहली बात उसकी सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है और दूसरी बात उसकी वैलेंसी वन है, तो हैलोजन कैटनेशन शो कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज कैटनेशन. तो कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की. ठीक है, अब एक और चीज, एक कंपाउंड है एन सी सी एच टू सी एच ओ. ठीक है, क्या इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी. हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला नहीं होता. अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगाओगे तो फॉर्मूला लगाते रह जाओगे, एक का भी आंसर नहीं आएगा. कारण पता है क्या है? यहां पे तीन कार्बन है, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है. हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला मत लगाओ, गलत है वो. ठीक है, निकल रहा है आंसर, निकाल लो, कोशिश करो निकल जाए तो, क्योंकि मेरे कहने से तो मानोगे नहीं. आंसर निकालो. हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल सा तरीका, देखो हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर से निकलता है, तो स्ट्रक्चर जानना जरूरी है हाइब्रिडाइजेशन के लिए. और हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंपल सा रूल है, जस्ट काउंट द एटम्स अटैच टू अ गिवन एटम. कार्बन के केस में तो यह बहुत सही चलता है, कार्बन के अंदर लोन पेयर नहीं होता. ठीक है, अदरवाइज इट्स एक्चुअली द नंबर ऑफ एटम्स एंड द लोन पेयर अटैच्ड टू अ गिवन एटम.
That is what we term as the steric number. यहाँ पर इसके साथ एटम काउंट करोगे तो एक दो दो एटम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो दो एटम का मतलब है sp, ठीक है. यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, दो कार्बन है, तो टोटल एटम चार है, तो इट इज sp3. इसकी बात कर रहे हो तो इसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, तो इसके साथ तीन एटम्स है, तो दिस इज sp2. That is how we try to find the hybridization. Clear? तो यहां पर कार्बन है कैपेसिटी टू शो थ्री हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2 एंड sp3. ठीक है. अब ये समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से फर्क क्या पड़ता है. हाइब्रिडाइजेशन बाय डेफिनेशन इज अ मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी टू गिव अ सेट ऑफ ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी. दैट इज व्हाट वी डिफाइन एज हाइब्रिडाइजेशन. अब ये तरह से ये हो गया कि हमारे पास एक नमक से भरी हुई कटोरी है, एक चीनी के पाउडर से भरी हुई कटोरी है, और हमने उन दोनों को मिक्स कर दिया. तो जब हम उन दोनों को ढंग से मिक्स करते हैं और फिर हम सेपरेट करेंगे, देन इन दैट केस हमें फिर से दो कटोरियां मिलेंगी, लेकिन अब दोनों में प्योर नमक और प्योर चीनी नहीं है. अगर उसको टेस्ट करके देखेंगे तो 50% चीनी है, 50% नमक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक में 50-50 हो गया. अगर मैं एक नमक की दो चीनी की कटोरी करता हूं तो ये कैरेक्टरिस्टिक में 33% 66% हो जाएगा. एक नमक की कटोरी और तीन चीनी की कटोरी करता हूं तो इट इज गोइंग टू बिकम 25% नमक एंड 75% शुगर. तो कैरेक्टरिस्टिक शुगर की तरफ शिफ्ट करती चली जाएंगी, लेकिन प्योर शुगर नहीं बनेगी. बिल्कुल इसी तरीके से जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है. जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो हमें दो sp ऑर्बिटल मिलते हैं. दीज sp ऑर्बिटल आर राइट इन द मिडल ऑफ द s एंड द p इन साइज एंड एनर्जी. इज इट क्लियर? अगर मैं sp2 की बात करूं तो sp2 यहां आ जाएगा. यहां पे तीन ऑर्बिटल हैं, विचार समवेयर 66% टूवर्ड्स p एंड 33% टूवर्ड्स s. और sp3 की बात करें तो चार ऑर्बिटल यहां बन जाएंगे. तो एज द p परसेंट इन द हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेस, द एनर्जी एंड साइज ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बिकम्स सिमिलर टू p. ठीक है. And it would mean the size increases, energy increases. Clear? So sp hybridized orbital सबसे छोटा है, s से बड़ा है of course, लेकिन sp छोटा है, sp2 उससे बड़ा है, sp3 उससे बड़ा है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर sp से बॉन्ड बनता है तो जो शेयर्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर है that will be more towards the central atom, जिसकी hybridization की हम बात कर रहे हैं. sp2 में थोड़ा दूर हो जाएगा, sp3 में और दूर हो जाएगा. ठीक है. So I can say as the p character in the hybridization increases, the distance of the shared electron pair from the central atom increases. Clear? तो लिखो ना. As the p character in hybridization increases, as the p character in hybridization increases, the size and energy of the hybridized orbital, the size and energy of the hybridized orbital increases. Full stop. The distance of the shared electron pair, the distance of the shared electron pair from the central atom
increases. From the central atom increases. ठीक है. अब हमारे पास एक टर्म है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय डेफिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो अगर मैं ये बोलता हूं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से दूर जा रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस एटम की टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ कम हो रही है. ठीक है. तो अब इन दोनों चीजों को अगर जोड़कर मैं ये बोलता हूं कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर इन द हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जा रही है. ठीक है, लिख लीजिए. हेंस इट कैन बी सेड, हेंस इट कैन बी सेड दैट एज the S character, as the S character in hybridization decreases, the electronegativity of the atom, the electronegativity of the atom decreases. ठीक है. तो same is true with carbon. sp hybridized carbon is going to be more electronegative as compared to sp2, which is more electronegative as compared to sp3. कोई confusion? तो that was the effect of hybridization on electronegativity. Fine. अब कुछ simple से compounds की बात करते हैं और उनके structure की बात करेंगे. The simple compound and the structure that we talk about, एक compound है हमारे पास CH2. This compound is called ethene. ठीक है. ethene का structure हम ऐसा बना सकते हैं. ठीक है. ये हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ठीक है. Now these two hydrogens are moving towards you. These two hydrogens are moving away from you. मैंने ethene ऐसे बनाया. ठीक है. यहां पे कार्बन sp2 hybridized है, तो उसने दो p orbital और एक s orbital consume कर रखा है. जो p orbital है वो एक दूसरे के perpendicular है. They are mutually perpendicular. आप ये बना सकते हैं कि p orbital ऐसे है. ठीक है. तो अगर ये दो p ऑर्बिटल यूज हो गए, तो ये p ऑर्बिटल इन दोनों के ठीक परपेंडिकुलर है. क्लियर. तो इसका मतलब ये है कि तीन p ऑर्बिटल में जो p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में कंज्यूम नहीं हो रहा, दैट विल बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल. ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अगर ऐसे है, तो ये वाला p ऑर्बिटल ऐसे होगा. ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है ना. ठीक है. अब इस p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. देखो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपने आप ऑपोजिट हो जाती है, इसलिए मैंने ऑपोजिट ही बनाई है. नाउ दिस कार्बन इज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है. इस कार्बन के पास भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है. सो दिस कार्बन
will attract this electron cloud. और देखो ये इलेक्ट्रॉन ने बनाया, यहाँ पे ये पूरी तरह स्प्रेड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है. एंड दिस कार्बन इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड. बिकॉज ऑफ दैट दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गोइंग टू डिफॉर्म. इलेक्ट्रॉन एक्चुअली नेगेटिव चार्ज है, तो जहां कहीं भी उसको पॉजिटिव दिखाई देगा ये वहीं भाग लेगा. तो दिस इज गोइंग टू डिफॉर्म, और जब ये डिफॉर्म होगा so the structure would somehow become like this. ठीक है. And they are going to overlap with each other. ये जो perpendicular या parallel overlapping से जो bond बना है, इसे हम pi bond बोलते हैं. ठीक है. The pi bond has electron probability above and below the plane of the molecule. Okay. तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो स्ट्रक्चर वुड बी समथिंग लाइक दिस. सी This is the structure of ethene. कोई confusion? ठीक है. अब एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज द नोड ऑफ pi bond in ethene lies in first option molecular plane, second option plane perpendicular to the molecular plane containing internuclear axis. Okay. Third, plane perpendicular to the molecular plane perpendicular to internuclear axis. Fourth, plane parallel to molecular प्लेन. बड़ी मेहनत से मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ आंसर लिख दो. आउट ऑफ दीज फोर विच इज द करेक्ट ऑप्शन, जस्ट राइट द नंबर. भाई साहब कृपया अपनी गलती स्वयं करें, दूसरों से ना करवाएं. प्लीज मेक योर ओन मिस्टेक. क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है. हाँ नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नहीं कह रहा मैं,
आईआईटी में आया था इसलिए मेंशन कर रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। आईआईटी के हिसाब से आंसर मत चेंज करना, आंसर वो देना जो आंसर है। जल्दी मार्क करो। ये स्क्रीनिंग टेस्ट का क्वेश्चन है, उसमें मल्टीपल करेक्ट नहीं होते। आंसर तो जल्दी, व्हाट इज़ द आंसर? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव द आंसर इज 4, हाउ मेनी द आंसर इज 3, 2, 1, है पीछे। ओके चलिए, आंसर क्या दिखा तुमने? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय नोड? सर पता नहीं सर, आईआईटी में, लेकिन 3 मेरा फेवरेट है। गलत है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड? Node is the region which has the minimum probability of electron. कहने का सीधा मतलब है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, that is what we term as a node. ठीक है, clear? और जहां पे probability सबसे ज्यादा है उसे एंटी नोड कहा जाता है। वेव्स है ना, वेव्स वाली बात है यहां पे। तो यहां पे अगर मैं पोर्ट की बात करूं, प्लेन पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा है? मॉलिक्यूलर प्लेन वो होता है जहां पे मॉलिक्यूल के मैक्सिमम एटम्स होते हैं। तो द मॉलिक्यूलर प्लेन वुड बी इन दिस केस, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में है। तो जिस प्लेन में, जिस शीट पर चारों हाइड्रोजन दोनों कार्बन है, वो मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर प्लेन। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेन पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन, ये वाले प्लेन की बात कर रहे हैं। अरे यार, पाई बॉन्ड है ही प्लेन पैरेलल, तो पैरेलल प्लेन में तो एंटी नोड है, नोड थोड़ी ना होगा। इज इट क्लियर? तो फोर्थ तो आंसर है नहीं। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड, प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर, परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। पहले ये समझते हैं प्लेन है कौन सा, विच प्लेन आर वी टॉकिंग अबाउट? ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो ये वाला है। ठीक है, और हां एक और इंपॉर्टेंट बात, ये वाला भी है। मतलब कि ऐसे कोई भी प्लेन बनाते चले जाए, यानी कि ये मैंने एक मॉलिक्यूलर प्लेन ले लिया, ठीक है, अब इस मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर मैंने ऐसे प्लेन बना दिया, अब ये प्लेन मैं ऐसे घुमाता चला जाऊं, ये सारे प्लेन इस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इनफाइनाइट प्लेन्स आ गए। इन्होंने एक और कंडीशन दी, प्लेन परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू कार्बन। अब रिस्ट्रिक्टेड हो गया, इट हैज टू बी दिस ओनली, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया ना। अब अगर मैं ऐसे बनाता हूं
So this plane is going through the pi electron cloud. फिर probability zero नहीं है. मिनिमम का है इस जगह पे तो मैक्सिमम है तो ये तो मैक्सिमम के थ्रू जा रहा है तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी तो ये नहीं है ठीक है टॉकिंग अबाउट द सेकंड सेकंड के अंदर प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन कंटेनिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो कंटेनिंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये हो गया तो वो भी इसके थ्रू जा रहा है अरे यार सीधी सी बात है पाई बॉन्ड का मतलब ही है मैंने बोला था पाई बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन में नहीं है तो मॉलिक्यूलर प्लेन इज द नोड दिस वॉज अ टिपिकल क्वेश्चन इन आईआईटी जिसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि द फर्स्ट ऑप्शन वॉज द मोस्ट नॉन ऑब्वियस बट द करेक्ट आंसर ठीक है देखो बेटा फिर से बोल रहा हूं आईआईटी कई बार बोल चुका हूं बहुतों को बता चुका हूं आईआईटी के पेपर की बात जब हम करते हैं आईआईटी के क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो आईआईटी के क्वेश्चन में यू आर गिवन इनफ टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन तुम्हारे पास टाइम की कमी बिल्कुल नहीं होती ठीक है तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को जल्दबाजी में करने की कोशिश मत करना आराम से करो क्या होगा तुम्हारे पास आईआईटी एडवांस के अंदर एक पेपर में 60 क्वेश्चंस हैं 2020 ठीक है अगर तुम तसल्ली से करोगे आराम आराम से करोगे तो कितने क्वेश्चन कर लोगे 40. नहीं आराम आराम से करोगे तो तुम ये बोलोगे कि भाई जितने मुझे आते थे मैंने सारे कर लिए कितने 15 60 में से 15 ठीक है इतना तो मिनिमम कर ही लोगे ना एवरेज का क्या मतलब हुआ यानी कि टाइम की कमी नहीं ये नहीं कि हमें आता ही नहीं था तो आप वहां पे आईआईटी के अंदर 10 क्वेश्चन करने के बाद हेड डाउन करके सो गए मैं उसकी बात नहीं कर रहा मतलब कि तुम्हारा पेन नहीं रुक रहा तुम कंटिन्यूअसली लिखते जा रहे हो तुम्हें आता है तो कितने क्वेश्चन कर लोगे 13 इतना स्लो 15 का मतलब क्या हुआ 3 घंटे में 15 क्वेश्चन ओलंपियाड की बात नहीं कर रहा मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ ओलंपियाड के अंदर 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं पूरा दिन दिया जाता है वो कंसेप्ट होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ ओलंपियाड आईआईटी से ऊपर जाता है वहां पे क्वेश्चन ही कितने होते हैं तीन हो गए थे 30% क्वेश्चन हो गए थे 30% मान सकते हो ठीक है 30% मान सकते हो कर लोगे आईआईटी की कट ऑफ 24.5% थी तुमने 30% ओलंपियाड में किया तो आईआईटी में 40% कर लोगे 35 कर लोगे 35 कर लोगे तो मेन आईआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा 35% क्वेश्चन सही सिर्फ अटेम्प्ट नहीं तो बेटा एक बात बताओ कि अगर आप 35% सही करने पर तुम्हें मेन आईआईटी में मैं पेरिफेरल आईआईटी की बात नहीं कर रहा वेटिंग लिस्ट की बात नहीं कर रहा मेन आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा और अगर तुमने 45 से 50% कर लिया तो अच्छी रैंक आ जाएगी तुम्हारी चॉइस की ब्रांच भी मिल जाएगी ठीक है 60% अगर आ गया 60 तो यू आर किंग फिर आईआईटी वाला हाँ ये अच्छी नहीं लग रही फिर वो सिचुएशन आ जाएगी तुम्हारी 60% मार्क्स में तो अगर मैं 60% मान के चलता हूं कि तुम्हारा टारगेट 60% का है तो 60% के लिए आपको 60 में से 36 क्वेश्चंस करने हैं और 36 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 180 मिनट मिले हुए हैं मतलब कि 5 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन
कम होते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव मार्क करना है, सॉल्व नहीं करना, ठीक है? और ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक भी कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, आईडी क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है? 5 मिनट कम एक क्वेश्चन के लिए, और वो तब व्हेन यू आर एमिंग एट अ गुड रैंक, तब 5 मिनट्स। तो बेटा किस बात की जल्दी आईडी पेपर में, आराम से करो, नहीं बनता स्ट्रक्चर तो भी बनाओ, नहीं जरूरत पेन पेपर की तो भी लिखो, गलती मत करो बस। तुम्हें लगता है इस क्वेश्चन में गलती हो जाएगी तो क्वेश्चन छोड़ आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार पर पेपर अगर मैं बोलता हूं 40% मार्क्स तुम छोड़ के आ सकते हो, तो 20 में से हर पेपर में 8 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हो यार, 8 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। नहीं अच्छा नहीं लगा, छोड़ दो। 20 में से 12 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, इतना तो यार तुम्हें जब चॉइस मिलती है ना क्वेश्चन में, उतनी चॉइस तो तुम्हें वहां नहीं मिलती, इधर और वाली ऑप्शन होती है तो 2 में से 1 करना होता है आपको, और उसमें से हर क्वेश्चन में चॉइस नहीं होती, तो हर पेपर में करीब करीब 75% कंपल्सरी होता है, या तो 60% क्या 50% कंपल्सरी है, बस चॉइस है यार आईआईटी के पेपर में। कहने को 100 वो इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने क्वेश्चंस करने नहीं होते, यू एक्चुअली हैव अ चॉइस, डू एनी 50%, इससे ज्यादा करोगे तो और मार्क्स मिलेंगे, ये और बढ़िया बात है, ज्यादा कर सकते हो तो और कर लो। कई बार होते हैं यार दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों कर दो तो ज्यादा नंबर मिलेंगे क्या, वहां नहीं मिलते यहां मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम है? तो इसीलिए कह रहा हूं यहां पर अगर मैं हर क्वेश्चन की ऑप्शन को एनालाइज करके ढंग से समझ के लिख के एंड माइंड इट लिख के, इंटेलिजेंट मत बनना क्लास में, वहां पे आईआईटी के पेपर में लिख के सॉल्व करता हूं, तो 5 मिनट में पूरी तरह तसल्ली से आंसर ये निकलेगा, ये तो पक्का यही आंसर है, अब कोई बायस नहीं, कोई हंच नहीं, लग रहा नहीं है यार करो। और हाँ एक बहुत बड़ी गलती जो आज की स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम जो कर रहे हो वो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर तो ये है और उसके बाद इसका आंसर तो ये है, उस ये को सेटिस्फाई करने के लिए लग पड़ते हो, नहीं भाई पहले सॉल्व करो फिर अच्छा आंसर ये आ रहा है एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, हाँ आ तो यही रहा है, मुझे तो कुछ और लग रहा है, तो कोई बात नहीं ये आ रहा है ये आंसर है, ऐसे करना है, उल्टा नहीं कि आंसर सोच लिया यही आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है? इज दिस क्लियर? ओके, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। As we talk about another thing called CH2, double bond CH, single bond CH, CH2. The name of this compound, जल्दी लिखो, किया हुआ है, ऐसा मैंने यहां 2 डबल बॉन्ड नहीं लगाए हैं, क्या कर रहे हो? स्ट्रक्चर मैंने कुछ बनाया, आप कुछ और बना रहे हो, और फिर उसके बाद भी नंबरिंग गलत कर रहे हो, जब यहां 2 डबल बॉन्ड यहां 2 डबल बॉन्ड तो नंबरिंग यहां से नहीं होगी, नाम लिखो,
वायन कब आता है? कितने ई एन है? वो कौन बताएगा? टू डी कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, तो ब्यूट के बाद क्या आएगा? ये गलतियां क्यों हुई है? तुम लगाते हो तो ठीक थोड़ी ना हो जाएगा? वाइन क्यों लगाया है? फॉर्मूले से किसने निकालने को कहा तुम्हें? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से नेम कब से बनने लगे? भाई साहब डबल बॉन्ड कितने हैं? दो। तो ये दो कौन बताएगा? और ये डी कैपिटल क्यों किया है? वाई क्यों लगाया है? वाई क्या बताता है? तो यहां ट्रिपल बॉन्ड है कहां? डबल बॉन्ड कितने हैं? दो। तो यहां पे एक क्यों लगाया है? और यहां का एच कहां गया? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? यहां थ्री बना के क्यों बैठे हो? इसका तो नेम करवाया था ना क्लास में। प्रॉपरली करवाया था। ये नहीं है, ये वाला। The name of this compound is buta 1,3-diene. Very clearly speaking, तुम पढ़ नहीं रहे हो। मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक की नहीं। You are not at all studying, absolutely not. सही बात है, वो तो है ही है। तो स्टेटमेंट दे रहा हूं, मुझे वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। When I give a statement, I don't need a verification from your side because I know I am correct. That's why I am giving the statement. Verification मुझे questions का चाहिए होता, answer दो। Verification वो भी नहीं होता। This is buta 1,3-diene. ठीक है? अब इस buta 1,3-diene की अगर हम structure की बात करते हैं, तो इसमें carbon की hybridations क्या हैं? जल्दी बताओ। Time pass नहीं। भैया कोई सेम है तो सेम का भी कोई वैल्यू होगी। लिख दे सबकी चाय स्पीड हो। गिनती आती है, करो काम। लिख दो सबकी हाइब्रिडेशन। अच्छा किसकी एसपी है? क्यों? क्योंकि वन वन के आगे। हाँ एग्रीड। तो फिर एसपी क्यों बोला था? हाँ जी हुजूर, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था।
हाँ जी बनाओ स्ट्रक्चर हाँ भाई किसका एसपी है इसका स्ट्रक्चर बनाया था जल्दी बना स्ट्रक्चर अलग अलग बना बॉन्ड सारे जल्दी बना भैया काउंटिंग तो बाद में करेगा पहले स्ट्रक्चर बनाएगा ना पूरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना जल्दी कर जल्दी हाँ जी हुजूर कुछ बना स्ट्रक्चर कैसे बनता है पूरा खोल के बना जल्दी बना हाँ जी sp3 किसका है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है गिन के देख कितनी बनाई है इसमें कोई अल्फा नहीं है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है अगर इसको ब्रिज को आप अल्फा बांधते हो तो ऑफकोर्स इसके तीन अल्फा हो जाएंगे इसको भी इसका अल्फा काउंट किया जा सकता है या वो क्वेश्चन दूसरा पूछा था उसने कंफ्यूज मत करो ठीक है हाँ भाई क्या आया बोलो अच्छा इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन कैसे एक कार्बन तो टोटल कितना हो गया टू ठीक है इसका क्या है एक कार्बन सर कितना हुआ एसपी क्यों लिखा है फिर का क्या मतलब फिर काउंटिंग करने में देर लगती है क्या देखो बेटा मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बोल रहा हूं आज बहुत क्लियर कई बार बोल चुका हूं फिर से बोल रहा हूं व्हेन यू गो एंड टेक द एग्जाम ऑफ आईआईटी जस्ट रिमेंबर वन थिंग द रिजल्ट दैट यू गेट Whatever result that you get is the result you always wanted. Simple. The result that you get is the result that you always wanted. ठीक है? You may be the topper, you may be failure, you may be unselected, you may be in the waiting list. Just understand the result you get is the one which you wanted. Simple. It has nothing to do with the test question paper difficulty level. It has nothing to do with whether it is in the course, whether it is out of course. It has nothing to do with your luck. It is purely your want. Am I clear? मैंने ये question दिया था और मैंने बोला था structure बना लेना आराम से करना अगर तुमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया दैट मीन्स यू नेवर वांटेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इफ यू नेवर वांटेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर यू आर गेटिंग अ रॉन्ग आंसर बिकॉज यू वांटेड टू गेट अ रॉन्ग आंसर तो इसलिए ध्यान रखना इस बात एम आई क्लियर विद दैट तो यहां पर हमारे पास सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ठीक है sp2 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होता है तो अगर मैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा
ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन पॉसिबल होती है, ठीक है, पॉसिबल होती है, मैं ये नहीं कह रहा होगी पर हो सकती है, क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन इन दिस मॉलिक्यूल, मिनिमम, तो मिनिमम के अंदर ये 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 और ये रिजिड है, ये चार, ये छह एटम तो प्लेन में होंगे ही होंगे, ठीक है। इन द सेम मैनर ये छह तो प्लेन में होंगे ही होंगे, ठीक है। ये जो दो प्लेन मैंने बनाए हैं, ये दो प्लेन ऐसे बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से है ये दो प्लेन, ये प्लेनर भी हो सकते हैं, ये नॉन प्लेनर भी हो सकते हैं, ठीक है। पर एक चीज देख रहे हो, ये और ये पूरा एक प्लेन होगा ही होगा, ये प्लेन से बाहर जा सकते हैं, ये यहां तक तो प्लेन में होगा ही होगा, ठीक है। तो द मिनिमम नंबर ऑफ सिक्स एटम्स हैव टू बी इन द प्लेन। और अब अगर कोई पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो बी वेरी क्लियर, प्लेन में आ तो सकते हैं, 12 नहीं है भाई, 10 है, तो 10 प्लेन में आ सकते हैं, ये पूरा मॉलिक्यूल भी प्लेनर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मिनिमम इज 6, मैक्सिमम इज 10, ठीक है, बीच में कुछ नहीं। अगर 9 आ रहा है तो 10 है, 8 आ रहा है तो भी 10 है, 7 आ रहा है तो भी 10 है, क्योंकि ये तो एक प्लेन है, अगर इनमें से कोई भी एक एटम इस प्लेन में आ गया तो बाकी सारे अपने आप आएंगे, रिजिड है, बाकी सारा रिजिड है। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, फाइन, घुमा भी सकते हो, प्लेनर नॉन प्लेनर दोनों हो सकता है। अब लेट अस टेक इट टू बी प्लेनर, लेट अस Just for the sake of it, इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, प्लेनर मान लेते हैं, और इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे घुमा देता हूं, ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो ये सारे काम मुझे एक लाइन में दिखाई देंगे, ठीक है। तो आई मेक द स्ट्रक्चर लाइक दिस, क्लियर, ठीक है। अब ये बने कैसे बॉन्ड्स, जैसे हमने इथीन के साथ किया था वैसे ही हम यहां पे कर देते हैं। यहां पे हमारे पास है सी, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पे एक पी ऑर्बिटल है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये जो पी ऑर्बिटल है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, सेम रीजंस, यहां पर ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4। तो दिस कार्बन नंबर 1 विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन नंबर 2 टुवर्ड्स इट्स साइड, ठीक है, द 2 विल अट्रैक्ट द कार्बन नंबर 1's इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स साइड, ये यहां अट्रैक्ट होगा, ये यहां अट्रैक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, मैत्रीश कोई दिक्कत, क्या मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, उससे पहले क्या बताया मैंने, सर इट विल अट्रैक्ट द ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, व्हिच विल अट्रैक्ट व्हिच वर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 1 विल अट्रैक्ट 2 एंड 2 विल अट्रैक्ट 1, 3 विल अट्रैक्ट 4 एंड 4 विल अट्रैक्ट 4 विल अट्रैक्ट 3, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, जवाब दो, मुझे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, 2, 3 को या 3, 2 को क्यों नहीं करेगा, इफ यू आर एंगेज टू अ गर्ल
Does it mean that you are going to stop looking at every other girl in the world? Are you going to be stop attracted, getting attracted towards any other girl? Ya agar aapke paas Mercedes gaadi hai, so does it mean you are not going to look at BMW? Yes. In fact, agar tumhare paas Mercedes hai, to ye bhi keh sakta hu ki agar Maruti side se jayegi na, ek nazar to us pe hi pad jayegi, isme hai kya, dekhen zara. Ye koi reason nahi hua. If two is not attracted by three because two is attracted by one, or two attracts one. क्यों? नहीं पहले वो इधर भी आ सकता डबल बॉन्ड अट्रैक्शन के बाद बना या अट्रैक्शन से पहले डबल बॉन्ड बना था क्या पहले क्या था पहले अट्रैक्शन था पहले डबल बॉन्ड था पहले डबल बॉन्ड था अट्रैक्शन बाद में हुई है तू तो अरेंज मैरिज की बात कर रहा है शादी पहले होगा अट्रैक्शन बाद में भाई वैसे मॉलिक्यूल्स वगैरह ना आइडियल केसेस फॉलो करते हैं पहले अट्रैक्शन होता बाद में शादी क्या हुआ क्या हुआ जल्दी बोलो हाँ उसके हिसाब से तो हाँ उसके हिसाब से तो बना सर एरिया बढ़ गया ना सर अब इसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी अगर वो उसकी तरफ ट्रेंड तो उससे क्या होगा अगर चार्ज डेंसिटी कम होती है तो अगर चार्ज डेंसिटी कम होती है तो एक मिनट एनी स्पीशी वुड इट लाइक टू हैव अ हाई चार्ज डेंसिटी और लो चार्ज डेंसिटी आवर स्पीशी वॉन्ट्स टू हैव अ हाई चार्ज डेंसिटी और लो चार्ज डेंसिटी लो चार्ज डेंसिटी तो आप अगर ये कह रहे हो कि अगर ऐसा हो गया तो सेकंड की चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो व्हाट डज इट मीन यार जो आंसर दिमाग में आ रहा है बोल ना व्हाट डज इट मीन क्यों तुमने अभी क्या बोला टू का अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों तरफ से अट्रैक्ट हुआ थ्री और वन से तो टू की चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी यही बोला फिर मैंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगी तो क्या होगा अ स्पीशी डज इट वॉन्ट टू हैव अ हाई चार्ज डेंसिटी और लो चार्ज डेंसिटी देन द आंसर टर्न्ड आउट टू बी द स्पीशी वॉन्ट्स टू हैव अ लो चार्ज डेंसिटी एक मिनट ये है या नहीं है शायद का मतलब क्या है या तो होता है या नहीं होता शायद कहां से आ गया बीच में तुम कुछ मत कहो जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको बताओ क्या चाहेगा ठीक है तो अभी तुमने एक और वर्ड बोला वो वर्ड क्या था स्टेबल तो इसका मतलब है अगर टू की चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो स्टेबल हो जाएगा होगा दिक्कत क्या तो इसका मतलब दो अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे अनस्टेबल तो नहीं है पर हाँ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा यही कहना चाह रहे हो ना तुम तो बताओ कि टू और थ्री एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नॉट रिजिड दे आर फ्लेक्सिबल Electrons are not particles, they are waves. Electron cloud are like emotions. ठीक है
You can be attracted towards only one, but then the attraction has to be very powerful. हाँ बोलो, होगा अट्रैक्शन या नहीं होगा टू और थ्री के बीच में? बोलो, होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो यार मैंने अभी तो एग्जांपल दिया था, तू एंगेज हो गया, एंगेज हो गया तो किसी दूसरे को देखना बंद कर देगा? लेकिन अभी आपने बोला कि अट्रैक्शन पावरफुल होना चाहिए. कितना पावरफुल हो सकता है? इतना. वहां पे भी कार्बन ही है. ऐसा नहीं है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिड़ियाघर घूमने गए हो. मैं चिड़ियाघर की बात नहीं कर रहा, अकेले यानी कि सिर्फ पिंजरे में जानवर है, तो वहां पे अगर तुम किसी से अट्रैक्ट नहीं होता तो वो लॉजिकल है. लेकिन अगर चिड़ियाघर में बाकी लोग भी आसपास घूम रहे हैं और तुम किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, आई डोंट एक्सेप्ट दैट एज अ लॉजिक. बोलो, या तो होगा या नहीं होगा. ये मे भी कहां से आ गया? ओके, वो कह रहा होगा. हाँ भाई, नहीं देखो, कुछ इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर चीज की, ठीक है? अब मेरे को बोलना है ना. एंड उस इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक में एक बहुत ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, ठीक है? तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तो उसके लिए हमें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव को अट्रैक्ट करता ही है. ऑन द अदर हैंड, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में कहीं पर अट्रैक्शन नहीं हो रहा, तब हमें रीजन देना पड़ जाता है, ठीक है? क्लियर? अ बॉय बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ स्मार्ट गर्ल इज ऑब्वियस. ये होगा ही होगा, ठीक है? क्लियर? अगर ये नहीं हो रहा तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है. क्या हुआ? कार्बन का न्यूक्लियस है, ये बताना पड़ेगा क्या? कार्बन का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट ही क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव है. तो इसमें बताने की क्या जरूरत है कि पॉजिटिव है? इट इज पॉजिटिव. बेटा मैं तो इसको फेसबुक उस पर डाल देता हूं, यूट्यूब पे, तो उसमें क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती. ओके, और अभी तो ये कमर्शलाइज होगा इसी तरीके से. ओके, नाउ सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो मूवमेंट हो रहा है वो पॉजिटिव की वजह से ही है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक न्यूक्लियस के आसपास है क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है. सो आई डोंट नीड टू टेल यू दैट व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव. इसमें बताना क्या है? कोई रीजन ना हो सर, होता है. एक मिनट, होता है, हो सकता है तो करेगा क्यों नहीं? तो स्टेबल होना चाहता है या नहीं होना चाहता? तो फिर क्यों नहीं करेगा अट्रैक्ट? देखो बेटा, एक बात सुनो, ये जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो केमिस्ट्री को अगर आप केमिस्ट्री के तरीके से करोगे तो हो ही नहीं सकता. Chemistry is not to be done in a chemistry way. Chemistry is to be done as life.
एवरी एग्जाम्पल इन लाइफ इज रिलेटेड टू सम एग्जाम्पल इन केमिस्ट्री. और या फिर मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि वॉट एवर एग्जाम्पल यू सी इन लाइफ इज बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री. योर कैरेक्टरिस्टिक इज बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉलिक्यूल इन यू. तो हम कहते हैं अबे ये मॉलिक्यूल तो इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं. अबे क्यों बोल रहे हैं यार, इंसान मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूल ही तुम्हें बना रहे हैं. तो दे आर सर्टन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, दे आर गोइंग टू बी देयर. तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आराम से होता है, होता है. कैसे नहीं होगा? बॉन्ड बन गया तो क्या होगा, दोबारा बन जाएगा? भाई देखो, यहां पर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट और ये अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है. ये कार्बन इसको भी अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, क्लियर. और एक बात का ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव किसी नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता तो दूसरे नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम नहीं हो जाती. यस, एक शाहरुख खान है, अगर वो उसकी एक पर्टिकुलर लेडी फैन है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई दूसरी लेडी उसकी फैन नहीं हो सकती. अरे यार वो तो उसकी फैन बन गई तो शाहरुख का अट्रैक्शन कम हो गया, होता है क्या? हाँ ऐसा एग्जाम्पल. मैंने बनाया है, मॉलिक्यूल ने नहीं. ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है भी या नहीं मुझे क्या पता. हाँ नहीं पता ना, इसलिए तो सारा खेल हो रहा है आगे. सोसाइटी ने बोला दीज टू आर मैरिड विद ईच अदर, दीज टू आर मैरिड विद ईच अदर, ये आइडियल सोसाइटी केस है. लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये इससे बात भी नहीं करेगा? पर ठीक है, आई डोंट गो मच बियॉन्ड दैट, क्योंकि बात तो कर सकता है. ये थोड़ी ना बोल देंगे कि ये दोनों इसको देखते ही कहेगा नहीं पीछे रहो, ऐसा थोड़ी ना होता है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैव टू अट्रैक्ट ईच अदर, क्लियर. अब अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो व्हाट शुड हैपन, एंड केमिस्ट्री में जो होना चाहिए वो होता है. बिकॉज इन केमिस्ट्री वी आर ऑलवेज डीलिंग विद सच अ ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी होती है, ठीक है. तो यहां पर जब ये ट्विस्ट होगा तो ट्विस्ट कैसे होगा, ये दीज आर कार्बन. अब यहां पर देयर इज ओनली वन साइड अट्रैक्शन, तो दिस इज गोइंग टू बी वेंट लाइक दिस, ठीक है. हियर अगेन इट्स वन साइड अट्रैक्शन. ठीक है, क्लियर. इधर देख लिया, वरना मैं स्पेसिफिकली तो मैं कैमरे में लेकर एग्जांपल दे दूंगा और फिर ब्रॉडकास्ट कर दूंगा स्पेसिफिकली लिंक टू योर फादर. ये जरूर देखना, तो मैं सीडी भेज दूंगा, डीवीडी भेज दूंगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसे शराफत से इधर देख ले. नाउ जब इसकी बात करेंगे तो इट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड एज वेल एज दिस साइड, फाइन, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे बनेगा, ठीक है. इन द सेम मैनर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ऐसे बनेगा. ओके, क्लियर. अब अगर हम हर एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखते हैं तो यहां पर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन है और यहां से मान लेते हैं आधा इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है. ओके, तो वी कैन से दिस इज 1.5 इलेक्ट्रॉन हियर, ठीक है. यहां से आधा आया, यहां से आधा आया, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. यहां से आधा, यहां से एक, 1.5, ठीक है.
ठीक है. तो जब हम इस बॉन्ड की बात करेंगे तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 इज द बॉन्ड. तो यहां पे 0.75 बॉन्ड है, यहां पे 0.75 बॉन्ड है और यहां पर 0.5 बॉन्ड. देखो मैं बहुत क्रूड कैलकुलेशंस कर रहा हूं, ठीक है, ज्यादा पछड़े में नहीं पड़ रहा. तो इफ आई टॉक अबाउट दोज क्रूड कैलकुलेशंस, इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये तो आज अपनी जगह पर है. यहां पे दो बॉन्ड्स के बीच में एक न्यूक्लियस ने बैरियर बना रखा है तो इस वजह से सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो अब यहां पे ये वन बॉन्ड पहले से है, 1.75 ये आ गया, तो इन दोनों के बीच में 1.75 बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी 1.75 बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में 1.5 बॉन्ड है. तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड से कम है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो गया, तो यहां पे जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी उससे कम हो गई, यहां भी डबल बॉन्ड से कम हो गई तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई और यहां पे सिंगल बॉन्ड से ज्यादा हो गई तो यहां पे स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो गई. इज इट क्लियर? ठीक है. ये बॉन्ड लेंथ, देखो डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये लेंथ डबल बॉन्ड से थोड़ी सी बड़ी हो गई और ये लेंथ सिंगल बॉन्ड से थोड़ी सी छोटी हो गई. इज इट क्लियर? ठीक है. तो अब इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ना तो कोई डबल बॉन्ड है और ना ही कोई सिंगल बॉन्ड है, ठीक है. दीज टू एंड दिस वन एज वेल आर पार्शियल डबल बॉन्ड्स. दिस इज मोर टूवर्ड्स द डबल बॉन्ड, दिस इज मोर टूवर्ड्स द सिंगल बॉन्ड, ठीक है. इज इट क्लियर? पर ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना ही कोई सिंगल बॉन्ड है. ये सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा छोटा है और ये डबल बॉन्ड से थोड़ा सा बड़ा है. नहीं नहीं, साइज बराबर का है. ये लंबा है क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, ये थोड़ा छोटा है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, पर ये सिंगल बॉन्ड से छोटा है और ये डबल बॉन्ड से बड़ा है. इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? जो भी वैल्यू है, ये डबल, जो भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड थोड़ा लंबा होता है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स कम है तो वो थोड़ा लंबा होगा, उसमें अट्रैक्शन कम है. डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, छोटा हो जाता है. ठीक है, क्लियर? नाउ ये हमने अरेंजमेंट बनाया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये मॉलिक्यूल पूरा प्लेनर हो, क्योंकि अगर ये घूम गया तो ये जो पी ऑर्बिटल पैरेलल है, ओवरलैप कर पा रहे हैं, वो ऐसे घूम जाएंगे और ऐसे घूमते ही ओवरलैप नहीं होगा, तब बॉन्ड नहीं बनेगा. इज इट क्लियर? तो अगर ऐसा होना है तो इस मॉलिक्यूल को प्लेनर होना ही पड़ेगा. ठीक है, एक मजेदार बात, अगर ये मॉलिक्यूल हमेशा प्लेनर है तो उससे हम ये कह सकते हैं ऐसा हो रहा है. ठीक है, प्लेनर होगा सिर्फ तब ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो प्लेनर के अलावा कुछ हो नहीं सकता. इज इट क्लियर? द ऑब्जर्वेशन टेल्स अस दैट दिस कंपाउंड इज ऑलवेज प्लेनर and the bond length observation also tell us that this bond length jitni honi chahiye single bond ki usse kam hai aur ye bond length jitni honi chahiye double bond ki usse zyada hai. ye observation theek hai. iska agar structure banaya jaye jaise ki humne aisa banaya tha structure, to iska electron cloud kuch aisa banega.
ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में बनाना चाहो तो स्ट्रेट लाइन में कुछ ऐसा दिखना चाहिए ये, किसी को कोई कंफ्यूजन है इन सारी चीजों में? समझ आ रहा है? यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहां पे ज्यादा है, ठीक है? ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये कम है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा है और ये डबल बॉन्ड से थोड़ा कम है। इज इट क्लियर? तो यहां हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड गॉट spread over the entire molecule due to the overlap of unhybridized p orbitals. Hybridized वाले participate नहीं कर रहे, unhybridized p orbitals participate कर रहे, ठीक है? This is termed as simply joining. Joining का technical word है conjugate. So these are, this effect is termed as conjugation. Likhiye definition. Conjugation, J-U. Conjugation. The delocalization. Localize ka matlab settle at one place. Delocalize matlab spread. Delocalization or spreading of the electron cloud, the delocalization or the spreading of the electron cloud over the entire molecule or a part of it is termed due to the overlap of unhybridized p orbitals is termed conjugation. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां पर? ठीक है, तो ये हमने फैक्टर की बात की जिसे कहा गया कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन के लिए एक बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधी कंडीशन है यहां पर, वो ये, जितने भी ऑर्बिटल्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट ऑर्बिटल्स करते हैं, दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर ऐसे की जगह ऐसे हो गए तो ओवरलैप नहीं कर सकते, तो दे हैव टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है, पैरेलल ऑर्बिटल सिर्फ तब हो पाते हैं जब जितने एटम्स हैं जिनके ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो एक प्लेन में हो। अगर ऑर्बिट, अगर एटम ऐसे हो गए पैरेलल में रहेंगे। ठीक है, क्लियर? तो लिख लीजिए, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, फर्स्ट वन, only the orbitals parallel to each other, only the orbitals parallel to each other can take part in conjugation. ठीक है,
अब पैरेलल ऑर्बिटल कब हो सकते हैं, जब जितने एटम के वो ऑर्बिटल हैं वो प्लेनर हो। स्ट्रेट लाइन नहीं है यार, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है पर एक प्लेन में है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है एक ऐसे पैरेलल है, एक ऐसे पैरेलल है, ऐसे पैरेलल, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। व्हाट आई एम बॉदर्ड अबाउट इट, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, एक लाइन में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? देखिए सेकेंड पॉइंट, ओनली द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द एटम्स, ओनली द एटम्स बिलोंगिंग टू द एटम्स, ओनली द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द एटम्स इन द सेम प्लेन कैन बी पैरेलल। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने, अगर पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है या मॉलिक्यूल के एक हिस्से में कॉन्जुगेशन है, तो दैट पार्ट इन विच देयर इज कॉन्जुगेशन हैज टू बी प्लेनर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, बात यह कि जहां तक कॉन्जुगेशन है वहां तक प्लेनर होना जरूरी है, अगर प्लेनर नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, फाइन। अब एक और इसमें एक कोरोलरी आ जाती है इसी से, अगर मैं एक एटम लेता हूं तो एक एटम के अंदर कई सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं, पर सबसे मजेदार बात यह है कि किसी भी एटम में दो ऑर्बिटल पैरेलल नहीं हो सकते, किसी भी एटम में दो ऑर्बिटल पैरेलल नहीं हो सकते। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी एटम किसी भी कॉन्जुगेशन में एक ही ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एक ही ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, लिख लीजिए, एवरी एटम टेकिंग पार्ट इन कॉन्जुगेशन, एवरी एटम टेकिंग पार्ट इन कॉन्जुगेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स एग्जैक्टली वन ऑर्बिटल, कॉन्ट्रीब्यूट्स एग्जैक्टली वन ऑर्बिटल टूवर्ड्स अ गिवन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। Towards a given conjugated system. अब एक इंपॉर्टेंट बात है, आप कहोगे सर एक ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है, उसने ऐसे अपने पैरेलल वाले ऑर्बिटल से कॉन्जुगेशन कर लिया, एक ऑर्बिटल ऐसे है तो क्या वो अपने पैरेलल वाले से नहीं कर सकता? कर सकता है। तो ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, तो दो सिस्टम में दो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन एक सिस्टम में एक ही ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था कॉन्जुगेशन होता क्या। अब यहां पर इस कॉन्जुगेशन को अगर हम ऐसे समझते हैं कि भैया ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है हमें, हम हाइब्रिडाइजेशन से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बैलेंस ही गड़बड़ हो जाती है। अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करूं तो मॉलिक्यूलर थ्योरी, ऑर्बिटल थ्योरी में तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डीलोकलाइज्ड, वो कितने ही ऑर्बिटल मर्ज करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, तो उस थ्योरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इनिशियली they tried to explain conjugation through hybridization, और जब उन्होंने conjugation को hybridization के through explain करने की कोशिश की, तो
तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यूज किए. अब जैसे कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वी टेक अ मॉलिक्यूल ए बी. जब हम इस मॉलिक्यूल ए बी की बात करते हैं और हम इसके बॉन्ड को तोड़ने की बात करते हैं, तो देर आर टू वेज टू ब्रेक द बॉन्ड. एक तरीका यह है कि एक एमिकेबल डिसीजन लिया जाए कि भैया इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दो, एक इलेक्ट्रॉन ए को दे दो, तो ये बन जाएगा ए विद वन इलेक्ट्रॉन प्लस बी विद वन इलेक्ट्रॉन. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इन विच द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्ड गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द एटम फॉर्मिंग द बॉन्ड इज टर्म्ड एज होमोलिसिस. लिखो क्या वो ऐसे मुझे नहीं पता स्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे. मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि ऐसा बॉन्ड ब्रेक किया जाए तो इसको होमोलिसिस बोलते हैं. और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, तो एनर्जी तो मैंने दी है, तो स्टेबिलिटी का कहाँ मतलब आ गया? स्टेबल तो हुई नहीं. नहीं, ऑफ कोर्स ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल बन रहे हैं. ठीक है, क्लियर? तो लिखिए, द बॉन्ड ब्रेकिंग इन विच द एटम्स प्रेजेंट इन द बॉन्ड get equally distributed between the atoms, forming the bond is termed homolysis. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए हमारे पास ये ए बी है और अब हेट्रोलिसिस कर देते हैं, मतलब कि पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम एक एटम को दे देते हैं, क्लियर? तो इट इज पॉसिबल दैट दिस एटम वुड बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस एटम बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच. ठीक है, तो दिस इज हेट्रोलिसिस. व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्ड गेट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज द एंटायर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स टुवर्ड्स वन एटम इज टर्म्ड हेट्रोलिसिस. ठीक है, देखो, द बॉन्ड ब्रेकिंग इन विच The bond breaking in which the electrons present in the bond get unevenly distributed. That is, the entire electron pair moves to one atom. The entire electron pair moves to one atom forming the bond. The bond is termed heterolysis. Is termed heterolysis. ठीक है, ओके. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ छोटी सी चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये देख रहे हो यारो, ऐसे बना है. ये यारो ऐसे बना है. ये यारो ऐसे बना है. दिस इज कॉल्ड हाफ.
दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एरो या सिंपली एरो, फुल एरो बोल दो, ठीक है। ये दोनों आते हैं कैटेगरी ऑफ कर्व्ड एरोस, दे आर कर्व्ड एरोस, दे आर नॉट स्ट्रेट लाइन, दे आर कर्व्ड एरोस, ठीक है। कर्व्ड एरोस ऑलवेज शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट एटम, ठीक है। द हाफ एरो टेल्स द मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, द टेल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हेड टू वेयर द इलेक्ट्रॉन रीचेस, ठीक है। एंड द कंप्लीट एरो ऑलवेज गिव्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, द टेल टेलिंग फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स एंड हेड वेयर इट मूव्स टू। तो ये कर्व्ड एरो नोटेशन हमेशा याद रखना, दे नेवर टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ एटम्स, दे टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर, फाइन। नाउ अब हम कुछ चीजों में ना रट मारते हैं, देखो अब ध्यान से। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि इस स्पीशी के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे प्रोटॉन कम है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्पीशी इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीशी आर लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बस इतना होता है। पॉजिटिव नेगेटिव से और कुछ पता नहीं चलता, ठीक है, क्लियर। किसी केस में नेगेटिव चार्ज से लोन पेयर आ सकता है, किसी केस में नहीं आ सकता। किसी केस में पॉजिटिव चार्ज से एम्प्टी ऑर्बिटल आ सकता है, किसी केस में नहीं आ सकता। तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव का लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल से कोई लिंक नहीं है, क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्पीशी है बी एच 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 नेगेटिव, दिस इज बी एच फोर नेगेटिव, और एक स्पीशी है एन एच 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 पॉजिटिव, इसे हम बोलते हैं एन एच फोर पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट बात, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ना तो इसके पास कोई लोन पेयर है ना ही कोई एम्प्टी ऑर्बिटल, और ना ही इसके पास कोई लोन पेयर है और ना ही कोई एम्प्टी ऑर्बिटल। इनके पास सिर्फ चार्ज है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है, दोनों में। इज इट क्लियर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन एक बहुत अच्छा सा एटम है क्योंकि वहां पर यह स्टेटमेंट बोली जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ कार्बन में। वो ये कि अगर कार्बन के पास कभी भी नेगेटिव चार्ज होगा तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर पक्का होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये है इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब, लोन पेयर, ठीक है। कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज ऑलवेज विल हैव अ लोन पेयर, वेयर एज कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज will always have an empty orbital. क्या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सिर्फ तब आ सकता है जब वो एक ऑर्बिटल को खाली करे, वरना आएगा ही नहीं। ठीक है, ये कार्बन के लिए वैलिड है, बाकी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए नहीं। बाकी एटम्स के लिए आपको बना के देखना पड़ेगा कि लोन पेयर है या नहीं है, कार्बन के लिए लगा सकते हैं। Fine. So that is what we have talked about, heterolysis and homolysis. ठीक है, कुछ पूछना है? क्या कहना चाह रहे हो? ये बना देते, क्या करना है? सी ओके, ओके फाइन, आगे।
ये हाँ क्या आ सकता है बॉन्ड ब्रेक किया आ सकता है नहीं आ सकता वी आर नॉट बॉदर्ड एट द मोमेंट डाल दो क्या करोगे हाइड्रोलिसिस करना होमोलिसिस करना हाइड्रोलिसिस किस डायरेक्शन में करूं इसकी डायरेक्शन में या इसकी डायरेक्शन में लेफ्ट या राइट ऐसे ठीक है तो मैंने एरो ऐसे बनाया तो ऐसे एरो बनाते ही ये बॉन्ड क्लीव हो गया इस कार्बन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट हो गया आई एम गोइंग टू गेट CH3 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा यहाँ पे ये CH3 आएगा यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तुमने बॉन्ड ब्रेक करना था ना मैंने कर दिया अब उसके बाद क्या होगा वो तो बाद की बात है ना तो ब्रेक हुआ बॉन्ड तो निकलेगा ही ना नहीं निकलना जरूरी नहीं है हो सकता बॉन्ड बस क्लीव हुआ अभी यही है वापस बन जाएगा बॉन्ड देखो बेटा हेट्रोलिसिस सिर्फ ये बताता है कि बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या किया डजंट टेल यू बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हुआ डजंट टेल यू हेट्रोलिसिस का एक डेफिनेशन है उसमें कहां लिखा है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने कितनी एनर्जी दी या कितनी एनर्जी रिलीज हुई कहीं लिखा है अ बॉन्ड ब्रेकिंग इन विच द एंटायर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स टू वन एटम इज कॉल्ड हेट्रोलिसिस क्लास इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट देखो हेट्रोलिसिस होमोलिसिस क्लियर ठीक है और कुछ मुझे क्या पता कंपाउंड कौन सा और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कंपेयर कैसे कर रहे हो कौन से क्राइटेरिया से कंपेयर कर रहे हो तो मिथेन है हाँ ये न्यू पेंटेन है फिर और पेंटेन ले लिया अरे कंपाउंड का नाम बोलना बेटा अगर इसका होमोलिसिस करना हो तो ये सी पे पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव क्यों आएगा रेडिकल आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर मिला एक इलेक्ट्रॉन इधर मिला तो चार्ज थोड़ी ना आएगा चार्ज तो तब आता है ना जब इलेक्ट्रॉन के इम्बैलेंस हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से अगर सेम रहेगा तो चार्ज थोड़ी ना आएगा इन चारों में से स्टेबल क्यों होगा कंपाउंड ही डिफरेंट है मैं स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करूं कंपाउंड डिफरेंट है बेटा स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करूं स्टेबिलिटी आइसोमर्स की कंपेयर होती है कैसे कंपेयर करोगे क्राइटेरिया क्या होगा कंबशन एनर्जी का स्टेबिलिटी इज डिफाइंड बाय सर्टेन क्राइटेरिया एनर्जी स्टेबिलिटी जो आप बोल रहे हो वो एनर्जी कंटेंट है और यहां पे जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही डिफरेंट है तो एनर्जी कंटेंट क्या बात करोगे आप एनर्जी कंटेंट की बात तब होती है जब स्पीशीज आर देयर विच हैव द सेम बॉन्ड्स नंबर ऑफ बॉन्ड सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स तब होती है स्टेबिलिटी की बात ठीक है